पंचम स्कंद अध्याय 1 प्रियव्रत महाराज के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने देखा किस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज इतने विरक्त होने के बाद कैसे गृहस्थ जीवन में गए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कई बाधाएं आती हैं जिन बाधाओं के कारण आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो क्यों इस जीवन में गए, क्या कहानी हुई, पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। यर्हि वाव राजन सराजपुत्र प्रियव्रता परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेव वयंजा सभागता परमार्थ सत्व सत्वतो ब्रह्म सत्रेण दीक्षि यमानो वणितला परिपालयान मनता प्रवर गुण गणैकांता भजन तया स्वप्रीतोप मंत्रितो भगवती वासुदेव एवा वधाना समाधि योगेन समावेशिता सकल कारका क्रिया कलापो नेवा भयानंदत यद्यपि तद अप्रत्यमानत्वं तद अधिकरण आत्मनो यस्मात् असतोपि पराभवं अन्विक्ष्यमानः। रंगनी प्रिय माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, राजन राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। उन्नत ज्ञान के कारण वे सदैव आध्यात्मिक विषयों की चर्चा में संलग्न रहे और उन्होंने अपना ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं मोड़ा। इसके पश्चात राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वे संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करें। उन्होंने राजकुमार प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार वह उनका कर्तव्य था, किंतु राजकुमार प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति में प्राण मुक्त तो नहीं हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी बने। तो प्रियव्रत महाराज के पिता स्वयंभू मनु हैं और स्वयंभू मनु उनको प्रार्थना करते हैं कि आप राज्यभार संभालो, लेकिन उनके मन में ये संदेह था, यदि मैं राज्य परिवार राज काज इसमें लग जाऊंगा तो मेरी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, इस तरह उनके मन में संशय था। अमित प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा। विशुद्ध वैष्णव या गुरु के चरण कमलों की सेवा किए बिना किसी ने कभी भी भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं की है। राजकुमार प्रियव्रत नारद श्री नारद मुनि के चरण कमलों की नियमित सेवा करते थे और इस प्रकार उन्हें दिव्य तत्वों का यथार्थ ज्ञान सतत्वतः हो गया था। सतत्व तह शब्द का अर्थ यह है कि राजकुमार प्रियव्रत को आत्मा एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पारस्परिक संबंध का ज्ञान था। वे इस भौतिक जगत के विषय में तथा ईश्वर से इसके संबंध के विषय में भी सब कुछ जानते थे। अतः राजकुमार ने न केवल ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगाए रखने का निश्चय किया। जब राजकुमार प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने के दायित्व को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने उनके इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। यह महान मुक्त भक्त का लक्षण है, सांसारिक व्यापारों में लगे हुए होते भी वह उनमें रुचि नहीं दिखाता, वरन निरंतर श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। इस प्रकार ईश्वर की सेवा करते हुए भी वह सांसारिक व्यापारों को उनसे प्रभावित हुए बिना ऊपर ऊपर से करता रहता है। उदाहरणार्थ, अपने बच्चों के प्रति आकर्षण न होते हुए भी वह उनकी देखभाल करता है और उन्हें भक्त बनने की शिक्षा देता है। इसी प्रकार वह अपनी पत्नी से प्रिय वचन बोलता है किंतु वह उसमें आसक्त नहीं रहता। भक्त भक्तिमय सेवा के द्वारा परमेश्वर के समस्त गुण ग्रहण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की एक से एक परम सुंदरी
16,000 पत्नियां थी और यद्यपि वे प्रत्येक से प्रिय पति की भांति आचरण करते थे, किंतु वे किसी के प्रति आकर्षित या आसक्त नहीं हुए। इसी प्रकार भक्त भले ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों से अत्यंत प्यार जताता रहे, किंतु इन कार्यों में वह कभी आसक्त नहीं होता। यह श्लोक बताता है कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से राजकुमार प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की यही एकमात्र विधि है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथार्थ देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यदि किसी को श्री भगवान तथा गुरु में अविचलित श्रद्धा हो तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त हो जाता है। श्रुतेश्वर उपनिषद। भक्त निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है। हरे कृष्ण का मंत्र, हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए उसे कृष्ण तथा हरे शब्दों से तत्क्षण ही ईश्वर की समस्त लीलाओं का स्मरण हो जाता है। चूंकि भक्त का समग्र जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित रहता है, अतः वह एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूल पाता। जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने मन को भौतिक गतिविधियों में लगाए रखता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने मन को सदैव आध्यात्मिक कार्यों में लगाए रखता है। इसे ब्रह्म सत्र अथवा सदैव श्री भगवान का चिंतन कहते हैं। श्री नारद मुनि ने राजकुमार प्रियव्रत को इस साधना में पूर्णतया दीक्षित कर दिया था। हरे कृष्ण तो कृष्ण। यद्यपि सुनने में इतना कठिन लगता है कि कैसे कोई गृहस्थ जीवन में गया और प्रभावित नहीं हुआ, बिना आसक्ति के सेवा करता रहा, लेकिन इसका जो रहस्य है वो है कि नारद मुनि की संगति उनको प्राप्त है। नारद मुनि की संगति में उनको इतना साक्षात्कार है कि भौतिक आकर्षणों से प्रियव्रत महाराज प्रभावित नहीं हुए। ये गुरु की कृपा होती है, ये गुरु की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति करने की शक्ति मिलती है। ये बल बिना गुरु की कृपा से हमको नहीं मिलता। माला हम खरीद लेंगे, लेकिन माला जप करने का बल गुरु से मिले। किताब हम खरीद लेंगे, लेकिन किताब पढ़ने का बल गुरु की कृपा से मिले। तो इसीलिए विश्वास होना चाहिए गुरु के आश्रय पर, और अगर वो आश्रय के ऊपर विश्वास है तो फिर कोई भौतिक आसक्ति प्रभावित नहीं करेगी। जैसे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखता है भक्त, सब कुछ करता है, लेकिन आसक्त नहीं होगा, फंसेगा नहीं। ये गुरु की कृपा से संभव है। जैसे एक बार सुभग स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये भक्ति कर पाऊंगा, ये सेवा कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले, तुम्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है क्या? सुभग महाराज बोलते, हाँ प्रभुपाद, आपके ऊपर पूरा विश्वास। तो बोले, बस वही जरूरी है, गुरु के ऊपर विश्वास होना जरूरी, खुद के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं। तो ये गद्य श्लोक पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन और तात्पर्य ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे श्री गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के प्रथम सृजित जीव एवं सर्वाधिक शक्तिमान देवता ब्रह्मा है, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के सृजन का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे अत्यंत शक्तिशाली देवता ब्रह्मा अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार देवव्रत ध्यान कर रहे थे। हरे कृष्ण। अभी इतना महान भक्त है, उसको यदि समझाना है तो बहुत बड़ा आदमी चाहिए उसको समझाने के। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रियव्रत महाराज को समझाना है जिम्मेदारी लेने के लिए, तो साक्षात ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ राजकुमार प्रियव्रत को समझाने के लिए जा रहे हैं। तात्पर्य सुजाता माता जी। तात्पर्य, जैसा कि वेदांत सूत्र में व्याख्या की गई है, भगवान श्री विष्णु प्रत्येक वस्तु के कारण है, जन्मादस्य यतः। क्योंकि ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान श्री विष्णु से हुआ था, अतः वे आत्मयोनि कहलाते हैं, उन्हें भगवान भी कहा जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से भगवान से श्री विष्णु या श्री कृष्ण का बोध होता है, कभी कभी ब्रह्मा, श्री नारद मुनि या शिव जैसी महान विभूतियों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कार्य करते हैं। ब्रह्मा को इसलिए भगवान कहा जाता है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा है, जो सदैव इस विचार में रहते हैं कि इस भौतिक जगत में भोग हेतु आए बद्ध जीवात्माओं को किस प्रकार उन्नत किया जाए। इसलिए वे ब्रह्मांड भर में प्रत्येक प्राणी के मार्गदर्शन हेतु वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते रहते हैं। वैदिक ज्ञान के दो विभाग किए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग।
निवृत्ति मार्ग इंद्रिय सुख के बहिष्कार का मार्ग है, जबकि प्रवृत्ति मार्ग यह मार्ग है जिससे जीवात्माओं को सुखोपभोग का अवसर दिए जाने के साथ ही उन्हें इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वे श्री भगवान के धाम को वापस जा सकें। क्योंकि इस ब्रह्मांड पर राज्य करना एक महान उत्तरदायित्व है, अतः विभिन्न युगों में ब्रह्मा अनेक मनुओं को सृष्टि भार उठाने हेतु बाध्य करते रहते हैं। प्रत्येक मनु के अधीन अनेक राजा रहते हैं जो ब्रह्मा के कार्य को संपादित करते रहते हैं। पिछले विवरण से यह समझा जा सकता है कि ध्रुव महाराज के पिता राजा उत्तानपाद ने ब्रह्मांड का शासन इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जीवन के प्रारंभ से ही तप कर रहे थे। इस प्रकार प्रचेताओं तक ब्रह्मांड के राजा उत्तानपाद के वंशज ही रहे हैं। क्योंकि प्रचेताओं के पश्चात कोई उपयुक्त राजा नहीं हुआ, अतः स्वयंभू मनु गंधमादन पर्वत से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को वापस लाने पहुंचे, जहां वे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने राजकुमार प्रियव्रत से ब्रह्मांड का शासन संभालने के लिए प्रार्थना की, किंतु जब उन्होंने मना कर दिया तो राजकुमार प्रियव्रत को आज्ञा का स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए सर्वोपरि लोक सत्य लोक से ब्रह्मा नीचे उतरे। ब्रह्मा अकेले नहीं आए थे, उनके साथ मरीचि, आत्रेय तथा वशिष्ठ जैसे अन्य मुनि भी थे। वे अपने साथ अपने स्थायी साथी साक्षात वेदों को भी लेते आए, जिससे राजकुमार प्रियव्रत को विश्वास हो सके कि वैदिक आज्ञा का पालन करना तथा विश्व शासन का भार संभालना उनके लिए अनिवार्य था। इस श्लोक में स्वभवनाथ शब्द महत्वपूर्ण है, जिसे यह सूचित होता है कि ब्रह्मा अपने लोक से उतरे। प्रत्येक देवता का अपना लोक है। देवताओं के राजा इंद्र, चंद्रलोक के स्वामी चंद्रदेव तथा सूर्य ग्रह के अधिष्ठाता देव सूर्य देव के अपने अपने लोक हैं। देवताओं की संख्या कई लाख है और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रह उनके लोक हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं की उपासना करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं। ब्रह्मा का धाम सर्वोच्च लोक, सत्य लोक अथवा कभी कभी ब्रह्मलोक कहलाता है। सामान्य रूप से ब्रह्मलोक वैकुंठ जगत का सूचक है और ब्रह्मा का लोक सत्य लोक है, किंतु वहां पर ब्रह्मा के निवास करने के कारण कभी कभी इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रियव्रत महाराज यद्यपि उत्तानपाद के ही भाई हैं, लेकिन बहुत समय से तप कर रहे थे, बहुत समय से ही आध्यात्मिक उन्नति में ही लगे हुए थे। और उत्तानपाद ध्रुव महाराज, उनके वंशज प्राचीनी बरही और फिर आगे जाके प्रचेता, ये सब ने राज संभाला। लेकिन प्रचेताओं के बाद कोई उपयुक्त राजा ना मिलने के कारण फिर स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत महाराज को बुलाया। तो इससे एक और बात पता पड़ती है कि जब कोई व्यक्ति हमारे स्थान पे कार्य कर सकता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो सेवा करने के लिए यदि कोई भक्त नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है और हमको बुलाया जाए, तो बड़े उत्साह से उसमें भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं, मेरा तो नियम अलग है, मैं तो जब करूंगा मैं ये करूंगा, नहीं। जहां कम वहां हम, जहां जरूरत है वहां पर आकर के उत्साह से सेवा करना चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज की जरूरत है, स्वयंभू मनु वहां पर बुला रहे हैं। श्लोक संख्या 8। शोभा माता जी, अनुवाद। ज्यों ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर से नीचे उतरे तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक तथा चारणा लोक के समस्त निवासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की। विभिन्न लोकों के निवासियों से आदर तथा स्तवन पाकर ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा हो। तब ब्रह्मा का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में राजकुमार प्रियव्रत के पास पहुंचे, जहां वे बैठे हुए थे। हरे कृष्णा। ऐसे तो होता ही है। हेड ऑफिस से कोई अधिकारी ब्रांच ऑफिस में आता है तो उसका बड़ा स्वागत होता है। तो उसी तरह ब्रह्मा जी आए हैं नीचे समझाने के लिए, भूमंडल पर सभी देवताओं इत्यादि ने उनका स्वागत किया। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के लोगों के बीच नियमित अंतर्ग्रहीय यात्रा होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी प्रकट होती है कि एक ऐसा लोक भी है जो पर्वतों से आच्छादित है, जिनमें से गंधमादन पर्वत एक है। इस पर्वत पर प्रियव्रत, नारद तथा स्वयंभू मनु, ये तीन महापुरुष आसीन थे। ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न लोकों से पूजित है और प्रत्येक लोक का अपना अद्वितीय ऐश्वर्य है। उदाहरणार्थ स्थित लोक के सभी वासी योग शक्तियों में अत्यधिक सिद्ध हैं। वे विमानों या अन्य उड़ने वाले यानों के बिना ही एक ग्रह से दूसरे तक उड़ान भर सकते हैं। इसी तरह गंधर्व लोक के वासी गायन विद्या में कुशल हैं और साध्य लोक के वासी परम साधु हैं। निस्संदेह अंतर्गृह प्रणाली का अस्तित्व है,
और एक ग्रह के वासी दूसरे ग्रह को जाते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर अभी तक कोई ऐसी मशीन आविष्कृत नहीं हो पाई जो एक ग्रह से दूसरे को जा सके, यद्यपि चंद्रमा तक जाने का असफल प्रयास किया गया है। इस प्रकार कई ऐसी बातें हैं विज्ञान की जो इतिहास में हमारे शास्त्रों में कई उन्नत रूप से बताई गई। लोग प्राइवेट जेट करते हैं, लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति ही उड़ने की क्षमता रखता था। वैदिक मंत्रों के शक्ति से हर देवता, हर साधु एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की क्षमता रखते थे। तो उस तरह यहाँ पर प्रभुपाद संकेत कर रहे हैं कि कितनी उन्नत उस समय पर वैज्ञानिक शक्तियां थी। श्लोक संख्या 9। मंजू माता जी। श्री नारद मुनि के पिता ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। श्री नारद मुनि ने जीव ही विशाल हंस को देखा, वे उसी क्षण समझ गए कि ब्रह्मा आए हैं। अतः वे स्वयं भूमनु के तथा उनके द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके प्रियव्रत पुत्र प्रियव्रत सहित अलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ की। तो उनकी काउंसलिंग चली रही थी प्रियव्रत महाराज की। पिताजी भी समझा रहे थे, गुरुजी भी समझा रहे थे, बात नहीं बन रही थी। तो तभी ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। तो नारद मुनि स्वयंभू मनु प्रियव्रत दोनों को लेकर के उनको सम्मान में आदर पूर्वक उनको स्वागत करते हैं। तात्पर्य ओजस्विनी माता जी। जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, ब्रह्मा के साथ अन्य देवता भी थे, किंतु उनका विशिष्ट वाहन विशाल हंस था। अतः जैसे ही श्री नारद मुनि ने हंस को देखा, वे समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा, जिन्हें हिरणगर्भ भी कहा जाता है, आ रहे हैं। वे ब्रह्मा का स्वागत करने तथा उनका सम्मान करने के लिए तुरंत स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्र प्रियव्रत सहित उठ खड़े हुए। श्लोक संख्या 10। यमुना रानी माता जी। हे राजा परीक्षित, जो कि ब्रह्मा जी सत्य लोक के भूलोक में उतर उतर चुके थे, अतः तो नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदस्य मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले खरे। तो ये स्वागत की विधि है। जब भी कोई पूजनीय व्यक्ति घर में आते हैं या फिर कोई सामान्य अतिथि भी घर में आए, तो सम्मान के साथ उनका स्वागत करना वैदिक परंपरा है। अच्छा बैठने के लिए स्थान दिया जाए, भोजन दिया जाए, अच्छे पदार्थ उपहार में दिए जाए, ये सब सभ्यता है। यदि कुछ ना हो तो कम से कम जल देना चाहिए। जल भी ना हो तो कम से कम बैठने का जो स्थान है बड़ी श्रद्धा के पूर्वक स्वागत करके बैठने का स्थान देना चाहिए। और यहाँ तक बताया, अगर बैठने का स्थान भी नहीं है तो कम से कम अच्छे वचनों से, अच्छी वाणी से स्वागत करना चाहिए। और सबसे उत्कृष्ट वाणी है भगवान का नाम। तो स्वागत विधि में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेकर के, मधु वचन बोल करके व्यक्ति का स्वागत किया जाए। तो यहाँ ब्रह्मा जी आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूज्यनीय है और व्यवहारिक दृष्टि से भी सबके वरिष्ठ हैं, सबके स्त्रोत्र हैं, सृष्टा करता है। तो इसीलिए उनको बड़े सम्मान से उन्हें स्वागत किया। आरती माता जी। तात्पर्य, राजकुमार प्रियव्रत से भेंट करने के लिए ब्रह्मा सत्यलोक से नीचे उतरे, जिससे यह सूचित होता है कि विषय अत्यंत गंभीर था। श्री नारद मुनि राजा प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के मूल्य का उपदेश देने के लिए पधारे थे, और ब्रह्मा यह जानते थे कि श्री नारद मुनि के उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अतः ब्रह्मा जानते थे कि जब तक वे स्वयं राजकुमार प्रियव्रत को मनाने के लिए गंधमादन पर्वत नहीं जाते, तब तक राजकुमार प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा मानने नहीं वाले। ब्रह्मा का उद्देश्य राजकुमार प्रियव्रत के संकल्प को भंग करना था, अतः उन्होंने पहले राजकुमार प्रियव्रत को सदैव दृष्टि से देखा। उनके मंद हास तथा दयापूर्ण भंगिमा से यह भी सूचित हो रहा था कि यद्यपि ब्रह्मा प्रियव्रत से गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे, किंतु राजकुमार प्रियव्रत का भक्ति योग से संपर्क टूटेगा नहीं।
वैष्णव के आशीर्वाद से यह सब कुछ संभव है। भक्ति रसामी सिंधु में हमें इसे कृपा सिद्धि अथवा गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि की प्राप्ति कहा गया है। यदि शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों का पालन किया जाए तो जीव प्राय मुक्त तथा सिद्ध बन जाता है। फिर भी अनेक पुरुष अपने गुरु या गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। राजकुमार प्रियव्रत ब्रह्मा के पौत्र थे, और जैसा कि कभी कभी पौत्र तथा पितामह में हंसी हंसी में स्पर्धा होती है, इस प्रसंग में भी राजकुमार प्रियव्रत ध्यान में स्थित होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जबकि ब्रह्मा उन्हें ब्रह्मांड का शासक बनाने पर तुल गए थे। अतः ब्रह्मा की सदैव मुस्कान तथा दृष्टि का अभिप्राय था, हे प्रियव्रत, तुमने संकल्प लिया है कि गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करोगे, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाने पर तुल गया हूँ कि तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। वास्तव में ब्रह्मा राजकुमार प्रियव्रत के त्याग, तप, संयम तथा समर्पण के उच्च आदेश की प्रशंसा करने के लिए पधारे थे, जिससे वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित ना हो। इस श्लोक में सूक्त वाक्येन एक महत्वपूर्ण शब्द है। वेदों में ब्रह्मा की यह स्तुति है कि हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता परि ब्रह्मा का स्वागत उचित वैदिक स्तुतियों से किया गया, इसलिए वे अत्यधिक प्रसन्न थे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब वैष्णव कोई कार्य करने के लिए बोलते हैं तो उस कार्य को करने की शक्ति भी साथ में प्रदान करते हैं। हमें विश्वास वैष्णव के ऊपर होना चाहिए। कई बार हम लोग अपनी समस्या में इतने रम जाते हैं कि वैष्णव जो समाधान देते हैं वो समाधान के प्रति हमारी समर्पण श्रद्धा नहीं रहती, लेकिन वैष्णव की वाणी में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वो कृष्ण को हृदय में धारण किए हैं, उनके वचनों में कृष्ण की शक्ति है। जैसे मुझे स्मरण है, हम लोग कुवैत गए थे गुरु महाराज के साथ, और लिफ्ट में थे, गुरु महाराज एक भक्त से बात कर रहे थे। वो भक्त बड़े भक्ति में बढ़ना चाहते थे आगे, लेकिन उनका काम इतना जटिल था कि उनको समय नहीं मिल पा रहा था। वो गुरु महाराज को बोले कि गुरु महाराज, मैं 16 माला का जप करना चाहता हूँ, आगे जाके दीक्षा लेना चाहता हूँ, बहुत समर्पण करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। गुरु महाराज ने केवल उनकी तरफ मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं, अब हो जाए। बस वो दिन है और आज का दिन है, 9 साल से, 9 साल हो गए, वो एक भी दिन 16 माला छोड़े नहीं, रोज 16 माला जप कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बड़ा प्रवचन नहीं दिया गुरु महाराज ने, केवल इतना बोला, कोई बात नहीं, आज से हो जाएगा बस। तो वैष्णवों के वचनों में शक्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। उनको पता है प्रियव्रत बहुत समस्याएं बताएगा, लेकिन मैं जब उसको कृपा कर दूंगा, उसको कोई समस्या प्रभावित नहीं करेगी, उसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलेगा, भक्ति भी अच्छी चलेगी। तो उस प्रकार वैष्णवों के कृपा पात्र बनने की हमको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर अभी ब्रह्मा जी आगे उनको निर्देश दे रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान बोला है, प्रभुपाद जी पीछे तात्पर्य में समझाए भी हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त प्रतिनिधियों को भी भगवान बोला जाता है, जैसे भगवान नारद, भगवान शिव इत्यादि। श्री भगवान वाचा निबोधतेदम ऋतम ब्रवीमि मास मासु युतुम देवमर्हसि अप्रमेयम् वयम् भवस्ते तत एष महर्षिर् वाहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। अनीता साहू माता जी, इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुन। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबको, जिसमें शिव जी तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मुख्य बात है कि अभी उनके सामने बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हैं, प्रियव्रत के सामने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, और जब इतने वरिष्ठ लोग कुछ चीज समझाते हैं, इसका मतलब भगवान की इच्छा उनकी आज्ञा में सम्मिलित है। तो अपनी आसक्तियों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग महाभारत में सुनते हैं धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है, धृत मतलब पकड़ के रखा है,
राष्ट्रे था राष्ट्र को। धृतराष्ट्र रात में सोता था तो रात में मुकुट को, राज मुकुट को आलिंगन करके सोता था, वो छोड़ना नहीं चाहता है उसको। और उसकी राज्य के प्रति आसक्ति के कारण कितनी मुश्किल हो गई हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार आचार्य लोग समझाते हैं, ये राष्ट्र का अर्थ केवल राज्य से नहीं है, हमारे शारीरिक सुख सुविधा से भी है। हमारे शरीर के सुख को हम पकड़ के बैठे हैं, ये सुख सुविधा धृत राष्ट्र के समान है। धृत यानी पकड़ के बैठे हैं शारीरिक चेतना को। तो कई बार हमको अपने मनमाने जो विचार हैं उनको छोड़ना पड़ता है। जब तीन चार वरिष्ठ भक्त एक साथ मिलके समझा रहे हैं, प्रियव्रत महाराज को भगवान की आज्ञा उस आज्ञा में देखनी होगी। तो उस प्रकार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि देखो, इतने सारे लोग समझा रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। आयुष प्रभु, तात्पर्य 12 भक्त महाजनों में से 4 स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र श्री नारद मुनि, स्वयं भू मनु तथा शिव, राजकुमार प्रियव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। उनके साथ अनेक अधिकृत साधुजन भी थे। ब्रह्मा राजकुमार प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ये सभी महापुरुष ज्ञानी हैं, किंतु वे इस श्लोक में वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तिमय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी ना घटने वाले हैं। श्री उपनिषद में ईश्वर को अपाप विद्ध कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि भौतिक रूप से पाप माने जाने वाले किसी से कभी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार श्रीमद भागवतम में भी वर्णित किया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने शक्तिशाली है कि उन पर हमारे विचार में समझे जाने वाला कोई भी कुत्सित कृत्य असर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो मिट्टी में से मूत्र को उड़ा देता है, किंतु स्वयं इससे कलुषित नहीं होता। श्री भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। जब ब्रह्मा राजकुमार प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए, तो वे किसी सदकवश नहीं गए, वे तो श्री भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। वास्तव में ब्रह्मा तथा अन्य प्रामाणिक ज्ञानी उन श्री भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवि। ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के अंदर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वह श्री भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदात्म बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो मेरी सतत भक्ति से और प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मेरे पास आ सके। अतः ब्रह्मा अपनी सनक से राजकुमार प्रियव्रत के पास नहीं आए थे, अपितु यही समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें राजकुमार प्रियव्रत को बनाने की आज्ञा दी थी, क्योंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए उन्हें यहाँ अप्रमेय कहा गया है। इसलिए ब्रह्मा ने राजकुमार प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक और इच्छा रहित होकर सुने। यहाँ पर संकेत दिया गया है कि अन्य कुछ कार्य करना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शिव, ब्रह्मा, मनु, महर्षि श्री नारद मुनि के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान है, किंतु उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। चूंकि ब्रह्मा श्री भगवान की आज्ञा अनुसार राजकुमार प्रियव्रत के निकट आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतः महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा के आदेश को, जो कि भगवान की इच्छा के अनुसार था, स्वीकार करना श्रेयस्कर था। इसीलिए वैष्णवों की वाणी में भगवान की वाणी का दर्शन करना चाहिए। वैष्णवों को भगवान हृदय से शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, इसलिए उनके वचन भगवान के वचन से पृथक नहीं है। न तस्य कश्चित् तपसा विधाय वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात्। विनोद प्रभु, हरे कृष्ण।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमेश्वर के आदेश को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अरे तो हम कई बार कई आयोजन बनाते हैं, कई प्लान बनाते हैं, हमको लगता है यही सही है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है ये समझना कितना कठिन है। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम माया में फंस जाओगे, लेकिन हो सकता है वन में रहने से माया में फंस जाओ। जैसे भगवद गीता में हम देखते हैं अर्जुन कितने सारे तर्क बता रहे हैं युद्ध ना करने के, लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अधर्म के पात्र बने। तो भगवान की आज्ञा को अपनी छोटी बुद्धि से समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तुम्हें भगवान की आज्ञा, इन सब वैष्णवों के द्वारा 12 महाजन बताए भागवत में, उसमें से 4 महाजन तो सामने ही खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, स्वयंभू मनु खड़े हैं, तो 4 महाजन एक साथ समझा रहे हैं, इससे बड़ा और कौन समझा सकता है। तो भगवान की आज्ञा को हमको हो सकता है आज समझ में ना आए, लेकिन हमारे लिए हर तरह से उत्कृष्ट है। अंकित प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तात्पर्य, गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्या चंद्रमसो वितरितो तिष्ठतः। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण तथा ब्रह्म तथा इंद्र सभी उनके वश में है। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी के भौतिक देह धारण की है वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां सम्मिलित है, किंतु तथाकथित वैज्ञानिकों की इंद्रिया गतिविधियां निरर्थक लगती है, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से भी इसकी पुष्टि होती है, मम माया दुरत्यया, भौतिक प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुरस्तर है, क्योंकि इसके पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे योग शक्ति से हो, वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो, यह असंभव है। यहाँ मनीषया बुद्धि से शब्द का विशेष महत्व है। महाराज प्रियव्रत तर्क करते हैं कि ब्रह्मा उनके गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि श्री नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने तथा भौतिक विषयों में न उलझने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, यह महाराज प्रियव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि दोनों ही प्रामाणिक महाराज हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि श्री नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने हेतु अधिकृत थे, अतः महाराज प्रियव्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं का समाधान करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुज्यन्तः निर्बद्ध कृष्णा संबंधे युक्तम वैराग्य मच्युते। विषयान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ दी जाना चाहिए, यही वास्तविक बुद्धि मनीषा है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकारक नहीं है, इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह भौतिक जगत मिथ्या है और केवल परम सत्य ही वास्तविक है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानते, जिनकी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सृष्टि की वह मिथ्या कैसे हो सकती है, किंतु उपभोग के लिए उनका उपयोग करना अवश्य ही मिथ्या है।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भोग के निमित्त है। भोक्ता रंग्य पसाम सर्वलोक महेश्वरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता है, अतः उनकी भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु प्रयुक्त होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करते हुए प्रत्येक वस्तु का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने का यही मार्ग है। हरे कृष्णा। तो कई बार जब प्रमाणित स्रोतों से ही अलग अलग निर्देश मिलते हैं, मान लीजिए मंदिर में ही अभी कई भक्त सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए दक्ष प्रभु ने एक सेवा दी, फिर सुवल प्रभु ने एक सेवा दी, तो कई बार थोड़ा विचार स्वयं को भी करना होता है कि कैसे सेवाओं के बीच में समन्वय बिठाए। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान की सेवा होनी चाहिए और जो समय पर सबसे उपयुक्त है वो कार्य होनी चाहिए। तो एक बात तो दोनों के बीच में समन्वय हो, हम लोग ठीक से कम्युनिकेशन करें, जैसे प्रियव्रत महाराज बोल रहे हैं आप कि नारद मुनि ने मुझे ये बोला है, आप ये बोल रहे हैं, तो क्या करना है। तो इस तरह विनम्रता से जिज्ञासा करनी चाहिए और कई बार कई चीजें बहुत ही स्पष्ट होती हैं तो उसमें थोड़ी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कोई भक्त ने आपको सेवा दी कि आप प्रसाद सर्विस करो, आप प्रसाद सर्विस कर रहे हो और वहीं पर आप देख रहे हो पास में कहीं आग लग गई है, कोई भक्त बोल रहा है प्रभु जी आग लग गई है आप पानी डालने जाओ, तो आप बोले नहीं नहीं मुझे तो प्रभु जी बोल के गए, मैं प्रसादम सर्विस ही करूंगा, तो ये मूर्खता होगी। तो इस तरह थोड़ी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। यहाँ पर प्रियव्रत महाराज के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मुख्य बात है कृष्ण की सेवा। यदि कृष्ण की सेवा किसी वस्तु से हो सकती है और उसका कोई परित्याग कर दे तो ये वैराग्य वैराग्य नहीं है, ये बंदर जैसा वैराग्य, फाल्गु वैराग्य इसको कहते हैं। लेकिन कृष्ण सेवा के लिए कोई चीज स्वीकार करनी पड़े तो वो फिर युक्त वैराग्य कहलाता है। ठीक है, आगे और भी सुंदर निर्देश हैं, श्लोक संख्या 13 से आगे पाठ करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भागवतम की।